सूरज कुमार और इस वक्त हम सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत सुहत पंचायत में हैं और सुहत पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सब पंचायत समिति प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ विपुल कुमार सिंह जी हैं। आज इनसे हमारी बातचीत होगी क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुखिया जी के जो जीविका दीदी का जो योजना पंचायत में चलता है उन योजनाओं का ये विरोध कर रहे थे। आखिर क्यों विरोध कर रहे थे, आज इनसे हमारी बातचीत होगी। विपुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए, आप हमेशा से मुखिया जी के सभी योजनाओं का विरोध करते हैं, लेकिन आपका योजना कहाँ कहाँ चल रहा है और आपका योजना क्या हुआ है वो बताइए। सबसे बड़ी चीज, आपने बहुत अच्छा सवाल किए जो आपका मुखिया का योजना का विरोध कर रहे हैं। हम मेरा योजना देखिए देख रहे हैं, इधर भी देखिए देख रहे हैं, ऐसा अच्छा काम किए जो किसान से पूछिए, हमसे मत पूछिए, हम तो एक जनप्रतिनिधि हैं। किसान को पहले इधर कैमरा घुमाइए, पहले इसमें पानी ही रहता था, फसल नहीं होता था। अब जो है मक्का भी लिया किसान, जो गेहूं बोना वो गेहूं लिया, मूंग भी देख रहे हैं लिया किसान को, तीनों फसल बांध, फसल सुरक्षा बांध से किसान जो खुशहाल हैं। पटना से टीम आए हुए थे मेरे योजना को जांच करने के लिए, पर कंप्लेन किया होगा उनको हमने घुमाए, कहा जो ऐसा सहरसा में कहीं बांध हम नहीं देखे जितना आपने। हम कहे सर आप किसान से पूछिए, जो किसान आपने पहले फसल होता था तो किसान लोग बहुत अच्छा से उनको जवाब दिए, सर ये बांध जो बना है चाहे समिति मद से पहले फसल नहीं होता था, अब फसल हो रहा है। हम सरकार को भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं जो फसल सुरक्षा बांध से ये कोसी का एरिया है, कभी बाढ़ कभी सुखाड़ ये होते रहता है। 2008 परले महापर्ले बाढ़ में हम लोगों को यानी एक इंच भी गेहूं या धान का समय था, नहीं हुआ। अब जो है वही सरकार को हम बारंबार कर रहे हैं, जो आपने जो काम कर रहे हैं मनरेगा हो या जो भी योजना हो, आप सही काम कर रहे हैं। हम मुखिया जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने बांध आप हमसे सवाल किए जो आप मुखिया का बारंबार जीविका, अरे फसल सुरक्षा बांध मुखियों को मिला, समितियों को मिला, मुखिया का भी योजना देखिए, समिति का तो आप देखिए रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब जीविका है, हम मुखिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो भाई आपका है काम कर रहे हैं हमको भी दीजिए। अरे पंचायत में आप मालिक हैं, मुखिया मालिक होता है पंचायत का, भाई आपके ही पंचायत में मेरा भी प्रतिनिधि हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हैं, अगर हम भी जीविका का काम करेंगे और अच्छा काम होगा। इन सभी चीजों को लेकर जितने भी मुखिया जी हैं, मुखिया संघ हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है जो मान के चलिए मुखिया जी की योजना में इस समिति साहब को भी योगदान मिलना चाहिए, तो हम लोग को भी विधायक जी के योजना में योगदान मिलना चाहिए और पंचायत के ही वार्ड सदस्य है और पंच है उनको भी उतना ही योगदान मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, पहले वार्ड सदस्य को पिछला टर्म में 16 से 21 में 7 निश्चय चल रहा था, गली नली योजना बहुत अच्छा काम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करवाए। इस बार जो है वार्ड सदस्य तो मुखिया जी का अंग है, सरकार के द्वारा तो अभी मिल नहीं रहा है। हम कहाँ उनसे, हम सरकार से विनती कर रहे हैं, हमारे पास में तो पावर नहीं है, पावर तो मुखिया जी के पास में है। सरकार से हम मांग कर रहे हैं जो वार्ड सदस्य यानी वार्ड का मालिक होता है उनको अगर योजना दीजिएगा तो एक एक गली गली विकास होगा। हम वार्ड सदस्य का कहाँ हम विरोध कर रहे हैं, हम मुखिया जी का कहाँ विरोध कर रहे हैं। अब मुखिया जी कह रहे हैं MLA साहब से हम लेंगे, अरे हम आपके पंचायत में जितना वोट से आप जीते हैं उतना वोट हम भी लाए हैं, बराबर का हकदार हैं। अब विधायक जी का क्षेत्र बड़ा होता है जी, बहुत बड़ा होता है, अरे विधायक जी क्या काम से वंचित कर रहे हैं जो आप काम नहीं कीजिए। अरे विधायक का भी तो पंचायत में काम हो रहा है, मुखिया जी लोग को समझना चाहिए, विधायक या पटना में काम करवाते हैं कि वही पंचायत में वोट लिए हैं, वही पंचायत में बड़ा बड़ा योजना करवाते हैं, मुखिया जी को इस पर ध्यान देना चाहिए जो क्या बोल रहे हैं मुखिया जी। अरे समिति आपका अंग है, दोनों मिल के देखा देखी में अच्छा विकास होता है,
हम अब क्या बोले? बिल्कुल, कल आपने मनरेगा ऑफिस में इन सभी चीजों को लेकर जो है जेई साहब के समक्ष ये बात रखे थे जी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जो है, अगर मान के चलिए अभी बिहार पुलिस का फॉर्म निकला है और जब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा तो आप कितने भी मेरिट वाले हैं आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा। तो आखिर आप लोग जब तक आवेदन नहीं किए हैं, अंबुजी सुना जाए, चिट्ठी तो सरकारी बोर्ड के पास आता है, पीओ साहब से आज हमको बात, अच्छा पदाधिकारी है जी, जेई साहब भी अच्छा है जो सौर बाजार में बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, तो पीआरएस साहब को चिट्ठी दिए, पीआरएस साहब जो है हम लोगों को पते नहीं चलने दिए, केवल मुखिया जी से लिए, 10-10 लिए, उनका यानी सूची बना के भेज दिए। ट्रेनिंग जब हुआ हम लोग को तब मालूम हुआ, आज हम कल हम पत्रकार के माध्यम से यानी हम आवेदन दिए पीओ साहब को जो ये कैसा हो रहा है। आज हम पीओ साहब से भेंट भी किए, पीओ साहब आश्वासन दिए जो हम आप लोगों का भी आवेदन आज हम दे के आए हैं, आप लोगों का एक सप्ताह के अंदर में प्रशिक्षण दिया जाएगा, मान के चलिए हम काम किए हैं। अभी मुखिया जी खुद कह रहे हैं जो समिति हम लोगों के साथ विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे, अरे विकास हम चाहते हैं जो दोनों मिल के एक साथ विकास करें, सभी समाज का विकास होगा, वैसे नहीं होगा विकास।